हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। तो आज के लेक्चर में हम थोड़ा आगे बात करेंगे एंड एक्चुअली थोड़ा आगे नहीं, थोड़ा हम पीछे चलते हैं। हमने एक ऐसा टॉपिक है जिसको हमने पढ़ लिया है एंड उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली जानेंगे। ओके, तो जो टॉपिक का आज हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ओके, सो प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज के बारे में हमने पहले पढ़ चुके हैं लेकिन हमें पता नहीं है क्योंकि हम लोग ने इसको एज इस तरह लेबल नहीं किया है। तो देखते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज होते क्या हैं और हम इसको जानते कैसे। तो आपने कुछ ऐसा कुछ देखा होगा, हैशटैग इंक्लूड, रिमेंबर। ओके, तो इसके अंदर रहता है हमारा हेडर फाइल। ओके, एंड जो ये रहता है जो कि बहुत हमारा सगा है, हमारे बहुत करीब है, इसको बोला जाता है प्री प्रोसेसर कमांड। प्रीप्रोसेसर कमांड, तो प्रीप्रोसेसर कमांड पे ऐसे दो शब्द देख लेते हैं। ओके, तो प्रीप्रोसेसर इज अ प्रोग्राम दैट प्रोसेस द source code that processes source code before it passes through the compiler. Okay, so इसका मतलब होता है कि प्री प्रोसेसर एक प्रोग्राम है जिसका, जैसे कि पहले भी मैंने इस बारे में बता चुका हूँ कि प्री प्रोसेसर क्या होता है, कि वो जो आपका सोर्स कोड रहता है, बेसिकली प्री प्रोसेसर एक वो प्रोग्राम है जो कि सोर्स कोड बनाता है इसको कंपाइलर से पास होने से पहले, क्योंकि कंपाइलर पास होने से पहले उसको एक सोर्स कोड चाहिए, एक फाइल चाहिए जो यहाँ पे इंसर्ट हो और 0 से 1 में निकले। वैसे डायरेक्ट लाइन ऑफ कोड नहीं जा सकते, वो एक फाइल में कॉम्पैक्ट हो जाता है। ओके, इट ऑपरेट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी। Which begin with symbol hashtag. Okay, तो जो preprocessor command है वो preprocessor directories के under में आता है and इसको दूर से पहचानने का बस एक ही symbol है, which is कि ये ना hashtag के साथ घूमता है। ओके, तो प्रीप्रोसेसर जो हमारा ये रहता है इसको प्रीप्रोसेसर कमांड बोला जाता है। प्रीप्रोसेसर कमांड क्या होता है, प्रीप्रोसेसर इज अ प्रोग्राम दैट प्रोसेस द सोर्स कोड बिफोर इट पासेस थ्रू द कंपाइलर। एंड इसको ये प्रीप्रोसेसर डायरेक्टरीज के अंडर आता है एंड इसको पहचाना जाता है विद सिंबल हैशटैग। ओके, तो इतना हो गया। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रीप्रोसेसर डायरेक्टरीज। ओके, सो types of pre-processor directories. Okay, तो basically इसके तीन type हैं। First is macro,
सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टरीज, सेकेंड इज फाइल इंक्लूजन डायरेक्टरीज, थर्ड इज कंपाइलर कंट्रोल डायरेक्टरीज। ओके, तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज के तीन टाइप्स है, फर्स्ट इज मैक्रो सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टरीज, सेकंड इज फाइल इंक्लूजन डायरेक्टरी एंड थर्ड इज कंपाइलर कंट्रोल डायरेक्टरीज। इन तीनों टाइप्स में हमने एक पार्ट, एक टाइप है जो कि हम पढ़ चुके हैं और हमें पता भी नहीं है, वो है फाइल इंक्लूजन डायरेक्टरीज। आप बोलोगे ऐसे कैसे पढ़ लिया और पता भी नहीं, तो बेसिकली इसको दूसरे लैंग्वेज में यही बोला जाता है, हैशटैग इंक्लूड वाला पार्ट आता है फाइल इंक्लूजन डायरेक्टरीज में ही। तो ऐसा नहीं है कि हमने पढ़ चुका है तो इसका हम लोग थोड़ा सा ब्रीफली रहेगा वो नहीं पढ़ेंगे, नहीं, हम लोग तीनों का प्रॉपर ब्रीफली ही पढ़ेंगे। अगर पढ़ चुके हैं वापस से पढ़ेंगे, आपको एज अ नोट्स तो एटलीस्ट मिल जाएगा और आपको इसको और अच्छे से समझ पाओगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, विल स्टार्ट विद मैक्रो सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टरीज। नाउ हम तीन टाइप्स ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज में से फर्स्ट पार्ट पढ़े, फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे विच इज मैक्रो सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टरीज। ओके, तो मैक्रो सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टरीज होता क्या है, तो इट रिप्लेसेस, ये इसी का डेफिनेशन है, इट replaces every occurrence of identifier by a predefined string. Okay. तो बेसिकली मैक्रो सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टरीज करता क्या है, तो वो क्या करता है कि कुछ प्री डिफाइंड डायरेक्टरीज रहते हैं जिनका पता कंपाइलर को पहले से होता है, हम उसका मतलब उसको बोल देते हैं लाइक इट्स लाइक समथिंग ना कि हम सबको पता है कि इट्स अ रेक्टेंगल। ओके, तो हमने बोल दिया कि जैसे कि ये रेक्टेंगल है जो कि सबको पता है, लेकिन यहाँ पे मैं अब अपना एक आदमी घुसा रहा हूं, ठीक है, तो ये जो पहले से सबको पता है इट्स नथिंग बट हमारा प्री डिफाइंड स्ट्रिंग। ओके, एंड मैं यहाँ पे जो अपना आदमी घुसा रहा हूं यानी कि जो मेरा है इट्स समथिंग नोन एज आइडेंटिफायर। ओके, तो बेसिकली मैक्रो सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टरी का काम क्या रहता है, वो रहता है कि जो मैंने, मेरा जो आदमी है उसको इससे कंपेयर कर दिया, बेसिकली कंपेयरिंग इन द सेंस कि मैंने बोल दिया कि जहां जहां पे सर्कल होगा उसका मतलब ही होगा कि वहां पे, सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया डबल रेक्टेंगल, तो जहां जहां सर्कल होगा उसका मतलब है कि डबल रेक्टेंगल है, ठीक है। मैंने अगर एक सिंबल बनाया लाइक ट्राइंगल, ट्राइंगल उल्टा ट्राइंगल डबल सर्कल, तो इसका मतलब क्या है, इसका बेसिकली मतलब है ट्राइंगल ट्राइंगल उल्टा ट्राइंगल डबल रेक्टेंगल एंड डबल रेक्टेंगल। ओके, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे अपने आइडेंटिफायर को बोल दिया है कि जब दो रेक्टेंगल, ठीक है, हमारा एक सर्कल वाला जो आइडेंटिफायर है इसका मतलब है कि इसके अंदर दो रेक्टेंगल है, इसका मतलब यही है, और ये लोगों को समझा दिया जाता है। इसको समझाता कौन है, मैक्रो सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टरीज। और मैक्रो सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टरीज ऐसे कैसे यहाँ पे लिख देंगे मैक्रो सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टरीज, नहीं, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा हैशटैग डिफाइन। ओके, हैशटैग डिफाइन, देन हमारा आइडेंटिफायर एंड स्ट्रिंग। ये एग्जाम्पल आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग गया होगा, बट नॉट टू वरी, अभी हम जो एग्जाम्पल देखेंगे वो आपको थोड़ा सा इजी लगेगा। बात करते हैं पहले इसके सिंटैक्स के बारे में। ओके, तो इसका सिंटैक्स होता है हैशटैग
define identifier and third में रहेगा string हमारा. Okay, something hard, same चीज है जो वहां पे rectangle and circle में था. ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देख लेते फॉर बेटर क्लैरिटी. एग्जाम्पल तो मैंने लिख दिया #, define pi with 3.1415. ओके, तो बेसिकली जहां जहां पे हम प्रोग्राम में 3.1415 ये पाई का वैल्यू है और ये कंपाइलर को पहले से पता होता है, लेकिन रेदर देन राइटिंग 3.1415 मैंने बोल दिया है कि ये तो कंपाइलर को पता है. मैंने बोल दिया कि जहां जहां पे 3.1415 लिखना है उसकी जगह मैं लिखना चाहूंगा पाई. जाहिर सी बात है बेटर रहेगा कि अगर आपको पाई का ज्यादा यूज हो रहा है तो आप 3.1415 ये लिखने से अच्छा आप डायरेक्टली पाई लिख दो, लेकिन वो आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते, उसके पहले आपको उसको डिफाइन करना पड़ेगा. तो उसके लिए आपको मैक्रो सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टरीज का यूज करना पड़ेगा. ओके, तो बेसिकली #, define comes under मैक्रो सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टरीज. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. #, define x into x कर देते हैं, x into x. ओके, एंड मैंने बोल दिया कि यार मेरे पूरे प्रोग्राम में बहुत सारा x into x है. ठीक है, मेरा जो कैलकुलेशन में बहुत सारे x into x है, तो मैं rather than x into x मैं उसको लिखूंगा f of x. समझा? इट बेसिकली ना कि सपोज आपको कुछ बहुत बड़ा प्रोग्राम है. ठीक है, लाइक इट्स इसकी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3. ठीक है, सपोज ये है एंड ये इसी तरह ना ऐसे 3 से 4 बार है, बीच में प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, माइनस है. तो रेदर देन राइटिंग दिस आप इसको एक को आप बना दो कि मैं इसको बोलूंगा, सपोज मैं इसको बोलूंगा वाई एंड मैंने लिख दिया #, define. डन. अब मैं इसकी ये लिखने की जगह बस मैं ये लिखूंगा तो कंपाइलर को समझ जाएगा वाई वाई मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3. ओके, सो यहां पे बोला गया है कि प्रीडिफाइंड स्ट्रिंग यूजर है, मतलब क्या मैं यहाँ पे कुछ वो सब चीजें भी ले सकता हूँ जो प्रीडिफाइंड फंक्शन होते हैं? तो हाँ, आप यूज कर सकते हो. कैसे? एक प्रोग्राम लिख के देखते हैं, आपको मोर यहाँ पे क्लैरिटी भी ज्यादा आ जाएगा और समझ भी जाएगा. ओके, तो प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक फंक्शन के बारे में बता देता हूँ, अगर इसके बारे में नहीं पता चला तो आगे प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे और ये एक्चुअली यूज होता है. तो द प्रोग्राम इज CLR SCR, प्रोग्राम नहीं फंक्शन है. ओके, तो इसका यूज क्या है? तो बेसिकली ये हम लोग मेन लिखते हैं, तो जैसे मेन वाला पार्ट लिखते हैं मेन कर्ली ब्रैकेट जस्ट उसके बाद हम लोग लिख देते हैं ये CLR SCR. और ये बेसिकली हर प्रोग्राम में लिखते हैं. क्यों? क्योंकि CLR SCR का फुल फॉर्म होता है क्लियर स्क्रीन. क्लियर स्क्रीन, अब ये क्लियर स्क्रीन क्या करता है? क्या हमारे पूरे प्रोग्राम को मिटा देता है? नहीं, बेसिकली क्या करता है कि जब आप इसको रन करते हो और आपका एक आउटपुट आया तो आप उस आउटपुट आप उसको क्लोज करके वापस से जब रन करोगे तो ये जो पुराना आउटपुट रहता है वो वही का वही रहता है. आप जब रन करोगे तो एक और दूसरा वही आउटपुट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, फिर हटाओगे फिर रन करोगे दूसरा आउटपुट आ जाएगा, फिर रन करोगे फिर तीसरा चौथा पांचवा, इस तरह आउटपुट भरते जाएंगे, पिछला आउटपुट खत्म होगा ही नहीं. तो क्लियर स्क्रीन CLR SCR का काम रहता है कि एक बार आपने रन कर लिया और रन होने के बाद अगर उसको हटा दो तो पुराने आउटपुट को क्लियर कर देता है. दैट्स व्हाई इसका नाम है CLR SCR, क्लियर स्क्रीन. ओके, तो इस पे आगे बढ़ते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द प्रोग्राम. ओके, तो सबसे पहले हमारा ये रहेगा #, include stdio.h. अब मैं ना यहाँ पे मैंने डिफाइन किया टेक नॉट
ठीक है, इसको मैंने डिफाइन किया विथ CLR SCR। ओके, तो हमने डिफाइन कर दिया कि CLR SCR की जगह मैं टेक्नोट लिखूंगा और मेरा काम चल भी जाएगा। ओके, क्योंकि मैंने यहाँ पे मैक्रो सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टरीज का यूज किया है, एंड वो क्या किया है उसने कंपाइलर को बोल दिया कि देखो जहां पे टेक्नोट होगा तो उसका मतलब समझ जाना, उसका मतलब होता है क्लियर स्क्रीन है, ठीक है, फॉर जस्ट अ प्रोग्राम। प्रोग्राम के बाद, वो प्रोग्राम खत्म होने के बाद फाइल सेव में, नया फाइल में आपका CLR SCR ही रहेगा। अगर आप चाहते हो टेक्नोट रहे तो उसके लिए आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, तो हमने लिख लिया हमारा इंट मेन। ओके, एंड जैसे कि मैंने बोला था मेन के बाद ही क्लियर स्क्रीन का यूज होता है, तो यहां मैं लिख दूंगा टेक्नो। ओके, तो इसका मतलब क्या है CLR SCR क्लियर स्क्रीन। गरेट, अब मैं प्रिंट कर देता हूं। हेलो, ठीक है, एंड रिटर्न 0। दैट्स इट। तो आई होप आपको मैक्रो सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टली समझा होगा। इट्स नथिंग बट इट रिप्लेसेस द प्री डिफाइंड स्ट्रिंग विथ आर एडिंग। तो ये हैशटैग डिफाइन इज नथिंग बट आर मैक्रो सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टरीज, एंड इसका काम क्या रहता है, ये प्री डिफाइंड स्ट्रिंग्स को हमारे आइडेंटिफायर के साथ रिप्लेस कर देता है, उसका मतलब रिप्लेस कर देता है। ओके, सो दैट्स इट। नाउ वील हेड टुवर्ड्स आवर सेकेंड पॉइंट विच इज फाइल इंक्लूजन डायरेक्टरीज। नाउ वील स्टार्ट विथ आवर सेकेंड पॉइंट विच इज फाइल इंक्लूजन डायरेक्टरीज। ओके, तो व्हाट इज फाइल इंक्लूजन डायरेक्टरीज, इसका डेफिनेशन क्या है? तो एक्सटर्नल फाइल कंटेनिंग फंक्शंस और मैक्रो डेफिनेशंस कैन बी इंक्लूडेड यूजिंग हैशटैग इंक्लूड डायरेक्टरी। ओके, तो इसका मतलब बताना कोई खास जरूरी है नहीं, क्योंकि वी ऑलरेडी नो इट। एंड ये कुछ इस तरह है कि जब हम लोग हैशटैग इंक्लूड कब यूज करते हैं, तो बेसिकली हम लोग हैशटैग इंक्लूड यूज करते हैं ताकि एक हेडर फाइल या कोई भी फाइल हम लोग प्रोग्राम में इंक्लूड कर सके, उसको लिंक कर सके, जो हमारे फंक्शंस, हमारे कुछ वेरिएबल्स, प्री डिफाइंड वेरिएबल्स और कुछ ऐसे मैक्रो डेफिनेशंस कैरी करता हो। ओके, तो हम लोग बेसिकली इसको अच्छे से जानते हैं, ठीक है, कि हाँ हैशटैग इंक्लूड यूज हो रहा है, यानी कि देर इज समथिंग बिटवीन दिस। ओके, एंड ये क्या कैरी करता है, ये डेफिनेशन कैरी करता है, ये प्री डिफाइंड फंक्शंस जो होते हैं जिसमें लाइक HTTP/IO में प्रिंट एफ स्कैन एफ को कैरी करता है, उसके डेफिनेशन को कैरी रखता है। अगर इसको नहीं लिखोगे तो उसका मतलब कंपाइलर को नहीं समझेगा। देन कॉन्यू डॉट एच में गेट CH क्लियर स्क्रीन ये सब कैरी करता है, ठीक है। तो इसी तरह यही काम है हमारे हैशटैग इंक्लूड का। ओके, तो इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, दैट वी वेरी वेल नो। सिंटैक्स इज हैशटैग इंक्लूड और फाइल नेम। ओके, तो ये हो गया हमारा सिंटैक्स, एंड एग्जांपल देखने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट एक छोटा सा प्रोग्राम ही लिख लेते हैं। ओके, तो प्रोग्राम हम लिखते हैं
हैशटैग इंक्लूड stdio.h। ओके, मैंने लिख लिया इंट मेन, और यहां मैं लिख दिया प्रिंट एफ। हेलो रिटर्न जीरो। यहां पे जो प्रिंट एफ है ये क्या है, तो बेसिकली डेफिनेशन ऑफ प्रिंट एफ इज इन हेडर फाइल stdio.h, ओके, एंड लिंकिंग द हेडर फाइल विथ प्रोग्राम इज व्हाट फाइल इंक्लूजन डायरेक्टरीज डज। ओके, तो हमें बेसिकली ये लंबा सा लाइन से लिखे हैं क्योंकि ताकि बताने के लिए कि हाँ प्रिंट एफ का जो डेफिनेशन है वो किसके अंदर है, वो है stdio.h के अंदर। stdio.h को प्रोग्राम के साथ लिंक किसने किया, वो किया किसने, हमारे फाइल इंक्लूजन डायरेक्टरीज में, फाइल इंक्लूजन डायरेक्टरीज में आता क्या है, तो फाइल इंक्लूजन डायरेक्टरीज में हमारा आता है हैशटैग इंक्लूड। ओके, सो बेसिकली कुछ कुछ बुक्स में ये भी कहा गया है कि जो हम लिखते हैं यहाँ पे हैशटैग इंक्लूड विथ अंडर दिस एंड दिस, तो इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं। ओके, तो दैट्स इट। तो अब हमारा खत्म होता है सेकेंड पॉइंट विच इज फाइल इंक्लूजन डायरेक्टरीज। अब हम मूव करेंगे हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ विच इज कंपाइलर कंट्रोल डायरेक्टरीज। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स आवर थर्ड पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट विच इज कंपाइलर कंट्रोल डायरेक्टरीज। तो कंपाइलर कंट्रोल डायरेक्टरीज होता क्या है, तो इट इज नथिंग बट सी सी प्रोग्राम प्री प्रोसेसर ऑफर्स अ फीचर नोन एज कंडीशनल कंपाइलेशन। Which can be used to switch on or off a particular line or a group of lines. इन प्रोग्राम। ओके, तो इस बड़े से डेफिनेशन और कंफ्यूजिंग डेफिनेशन का मतलब क्या होता है कि सी प्रोसेसर ऑफर्स अ फीचर नोन एज कंडीशनल कंपाइलेशन। ओके, जो कि यूज होता है एक कोड ऑफ द लाइन या फिर एक ग्रुप ऑफ कोड को ऑन या ऑफ करने के लिए। तो इसका मतलब ये होता है कि इन सिंपल वर्ड सपोज मैंने कुछ कंडीशन लिखा है एंड अगर वो कंडीशन ट्रू हुआ, देखिए जैसे कि पिछले वाले लेक्चर में इफ एल्स इफ और इफ में हम लोग पढ़े थे कि अगर ये ट्रू हुआ तो ये चीज प्रिंट करेगा। ओके, और फॉल्स हुआ तो प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। और ये भी हो सकता है ट्रू हुआ तो ये चीज को प्रिंट करेगा और एल्स फॉल्स होने पे वो इस चीज को प्रिंट करेगा। ओके, तो ये कोई ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है और इसका कोई ज्यादा यूज नहीं होता। हाँ, इसका यूज होता है इसके बोलते हैं ना इसके स्ट्रक्चर का यूज होता है
एंड कहाँ कहाँ होता है वो हम आगे देखेंगे। तो फिलहाल इसको हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि इसका सिंटैक्स नहीं है तो, बट एग्जाम्पल है जो कि बहुत इजीली हमें समझ जाएगा। एग्जाम्पल्स आर हैशटैग इफ, हैशटैग एल्स, हैशटैग एंड इफ एटसेट्रा। ओके, तो ये सब कुछ कंडीशनल होते हैं, जैसे कि इनमें बेसिकली कंडीशंस आते हैं। तो डायरेक्टली एग्जांपल देख लेते हैं, डायरेक्ट अच्छे समझ जाएगा प्रोग्राम। तो हमने यहां पे कर दिया हमारा हैशटैग, इसको यहां लिख देते हैं, हैशटैग इंक्लूड stdio.h, हैशटैग डिफाइन, क्या डिफाइन कर रहे हैं हम लोग यहां पे, लाइन वन। ओके, तो बेसिकली हम वन को लाइन के साथ डिफाइन कर रहे हैं। ओके, तो हमारा आ गया मेन, हम डायरेक्ट मेन लिख रहे हैं। ओके, डायरेक्ट मेन लिख सकते हैं या फिर वर्ड मेन। तो वर्ड मेन में हमारे पास है हैशटैग इफ, इफ डेफ इज लाइन। ओके, तो हमने कर दिया प्रिंट है, दिस इज लाइन वन। ओके, एंड कर दिया हमने एल्स पार्ट, हैशटैग एल्स। एल्स के लिए कोई कंडीशन नहीं होता है, क्योंकि इफ एल्स का मतलब ये होता है या तो ये या तो ये। ओके, तो इफ में अगर कंडीशन डाले तो एल्स में कंडीशन नहीं डालना है, अगर एल्स में भी आपको कंडीशन डालना है तो एल्स के साथ इफ लगाना पड़ेगा। ओके, तो एल्स में हमारे पास आ गया प्रिंट एफ, दिस इज लाइन टू। ओके, एंड हमने कहा यहां पे एंड इफ, हमारा प्रोग्राम खत्म। ओके, तो हमने यहां पे डिफाइन कर दिया कि जो लाइन है वो वन है, एंड डेफ इज इक्वल टू वन। ओके, तो जब यहां पे हम करेंगे एंड इफ डेफिनेशन इज लाइन, यानी कि इफ डेफिनेशन इज वन, तो प्रिंट एफ दिस इज लाइन वन। अगर यहां पे होता हमारा टू, तो यहां पे हमने डेफिनेशन का जो वैल्यू है वो टू लिख दिया है। तो टू लिखने पे जब ये कंडीशन चेक करेगा डेफिनेशन इज लाइन, लाइन इज वन, तो डेफिनेशन वन नहीं है, तो ये एल्स पार्ट को बिना देखे क्या है क्यों है वो प्रिंट कर देगा। ओके, क्या होता अगर यहाँ पे एल्स के साथ इफ होता और यहाँ पे कंडीशन होता कि डेफ इज इक्वल टू थ्री। ओके, तो यहाँ पे चेक करता है कि डेफ का वैल्यू थ्री है, यहाँ पे तो टू है, तो ये भी नहीं करता और डायरेक्ट एंड इफ, इफ यानी कि पूरा टर्मिनेट कर देता। ओके, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, एंड आई होप इसमें आपको कहीं डाउट नहीं होगा, और है तो यू जस्ट नीड इज अ बिट ऑफ प्रैक्टिस एंड यू आर डन। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक स्टे सेफ एंड। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर हाँ तो लाइक कीजिएगा, और नहीं तो कमेंट में बताइएगा कहाँ पे प्रॉब्लम है, सो नेक्स्ट टाइम मैं उसको सुधार सकूं। एंड डू शेयर द वीडियो, लाइक सब्सक्राइब माई चैनल टेकनोट एंड हिट द बेल आइकन। तब तक अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सी या बाय बाय, टाटा, स्टे सेफ, peace out.